प्रगति बेटा क्या हुआ? पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, छोटी मोटी खांसी है, ठीक हो जाएगी। तू ये मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी है बाहर, इसे ले जा और जा। क्या? कहाँ? वापस अपने घर। पापा आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? बेटा कोई भी बाप अपनी बेटी को घर से जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि उसे अपने असली घर भेजता है। पहले तुझे तेरा घर मिला, फिर तेरा पति, तुझे वहीं रहना चाहिए। बेटा धागा अगर कच्चा हो ना तो कपड़ा उधड़ जाता है, ऐसे ही फैसला कच्चा हो ना तो रिश्ता टूट जाता है। रघुवीर के साथ रहने का फैसला लिया था ना तूने, उसका साथ छोड़ने का तो नहीं? तो मानता हूं रघुवीर ने तुझे थोड़ा भला बुरा कहा, डांटा, लेकिन तुझे उसकी डांट में, उसके भला बुरा कहने में उसके प्यार को देखना चाहिए। जब तू इस घर से गई थी तो उसके लिए शक लेके गई थी ना, पर जब आई है तो अपने लिए प्यार लाई है। और जो प्यार करता है उसे डांटने का हक भी है। अच्छा पता है तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है कि तुझे रघुवीर ने भला बुरा कहा, डांटा। तुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुझे रघुवीर की कमी खल रही है। बेटा अगर वो अपनी जिंदगी में बानी की जगह किसी को नहीं दे सकता ना, तो इसमें उसका सच्चा प्यार देख। वो सच्चे प्यार करने वाले की कदर करते हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ते। जा जाके बता दे उसको तू ही बानी है। निकल अपनी उलझन से और निकाल उसे भी, वो भी प्रगति और वाणी के अंदर अपने आप को फंसा हुआ अपराधी मान रहा है। हाँ बेटा तुझे जाना चाहिए। ले और जा अपने रघुवीर के पास। रिंग रोड से मत जाना, वहां बहुत ट्रैफिक है। पापा पापा रिमोट का क्या हुआ? बताता हूं। एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ने शहर में दंगों का रूप ले लिया है। हाईवेज, रोड्स सब जाम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर हवाई फायरिंग भी की है। सरकार ने हालात नॉर्मल होने तक सबको घर में ही रहने की हिदायत दी है। सबको बुलाओ। हर्षद, अदिति, गोपी कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ जीजा? क्या हुआ? शहर में दंगे हो रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, समझे? सब लोग घर पर ही रहेंगे। रघुवीर? रघुवीर कहाँ है? रघुवीर तो प्रगति को लाने गया है। हे भगवान। विजय जी आप रघुवीर को फोन कीजिए, उसे कहे जल्द से जल्द वापस आ जाए। अजीब पागल आदमी हूं मैं भी, किसी भी बात पर रिएक्ट कर गया। जब पता है कि प्रगति ऐसा नहीं करेगी तो मना लूंगा मुझसे। हेलो रघुवीर, तू जहां भी है फौरन मुड़कर घर वापस आ। शहर में दंगे शुरू हो गए बेटा। दंगे? बेटा बहुत रिस्की है, तू जल्दी से वापस आ बेटा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं प्रगति को लेकर जल्दी आ जाऊंगा बेटा। लेकिन क्या हुआ जीजा जी? कट गया? एक बार फिर से लगाइए ना। क्या? भाभी का फोन भी नहीं लग रहा। लगता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना उन्होंने नेटवर्क बंद कर दिया होगा। मैं ट्राई करता हूँ। ये सब वो मनोज प्रगति की वजह से हो रहा है। जब से वो रघुवीर की लाइफ में आई है ना कुछ हो रहा है उसके साथ। आदिति, हर बात के लिए तुम तो प्रगति को कसूरवार क्यों ठहराती हो? लेकिन अब क्या करें? ना रघुवीर से बात हो पाएगी ना प्रगति से। क्या होगा? हे भगवान।
मंडल जी। बेटा तुम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अजीब इत्तेफाक है, देखो जिसे तुम लेने आए हो वो अभी अभी निकली है तुम्हारे पास जाने के लिए। अरे पर आपने प्रगति को अकेले जाने क्यों दिया? क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे अभी पापा का फोन आया था, वो बता रहे थे बाहर दंगे हो रहे हैं। दंगे? हाँ जी। मैं अभी प्रगति को फोन करता हूँ। फायदा नहीं है, मैं फोन लगा चुका हूँ बहुत बार, नहीं लग रहा। प्रगति आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। बेटा बाहर अगर दंगे चल रहे हैं तो तुम क्यों जाओगे? मैं जाता हूँ, मैं ढूंढ लूंगा उसे। आप विश्वास रखिए मुझ पर, मैं उसे ढूंढ लूंगा, कुछ नहीं होगा। वो कैसे गई है? मेरे दोस्त की गाड़ी लेकर गई है, सिल्वर कलर की, तो नंबर 6755 है। वो रिंग रोड से नहीं गई है, मैंने मना किया था उसे। जी मैं देखता हूँ, परेशान मत होइए ना। प्रगति को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँगा। अच्छा करना भगवान। पापा ने सही कहा, रघुवीर मुझसे दूर भले जाना चाहे, मुझे उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। वो तो मैं उनकी बानी ही ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है ये लोग? ये देख उधर गाड़ी आई, इधर आ, मार इसको। तुम कहाँ हो प्रगति? जहाँ भी हो बस सेफ रहना। जला जला गाड़ी जला। हे भगवान अब क्या करूँ, यहाँ से तो हिल भी नहीं सकती। हे भगवान मदद करो प्लीज। अरे गाड़ी उधर उधर आई, उसको घूमने का शौक है, पकड़ इसको। अरे वो देख भाग रही, वो पकड़ उसको। ए रुक, सब जानवर बन गए, कहीं प्रगति के साथ भी ऐसा ना किया। रुक, बस के कहां से जाएगी यहां से, पकड़ उसको। मुझे वापस रिंग रोड पे जाना होगा, शायद प्रगति वहीं से गई होगी। कहीं उन लोगों ने प्रगति को तुम क्या सोच रहे? क्या सोच रहे रघुवीर, पागल हो गए? प्रगति को कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, प्रगति को कुछ नहीं हो सकता। यहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा, कैसे ढूंढूं उसे?
नकुल बेटा तेरा फोन लगा? नहीं लग रहा, लगता सारे नेटवर्क जाम है। मैं देख कर आता हूँ। पागल हो गया क्या? देख नहीं रहा शहर में क्या हो रहा है? हाँ नकुल तू मत जा बेटा, अगर इस घर से सभी निकल गए तो। लेकिन लेकिन फिर कैसे पता लगा है कि रघुवीर प्रगति के वहां पहुंचा है या नहीं? हेलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है लैंडलाइन से फोन लग गया। कितनी देर से मैं फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। हम भी कब से आप ही को ट्राई कर रहे थे भाई साहब। हाँ नेटवर्क जाम है हर जगह। आप ये बताइए प्रगति और रघुवीर घर पहुंच गए सही सलामत? मतलब प्रगति आपके घर भी नहीं है? लेकिन रघुवीर तो प्रगति को लाने के लिए निकला था आपके वहां से। हे भगवान क्या हुआ? रघुवीर यहाँ आया था लेकिन प्रगति उससे पहले यहाँ से निकल गई आपके पास जाने के लिए। फिर रघुवीर उसके पीछे उसे ढूंढने निकल गया। क्या कह रहे हैं आप? हेलो 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 हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? रघुवीर से पहले प्रगति वहां से निकल चुकी है यहाँ आने के लिए। मतलब कि रघुवीर वहां पहुंचे नहीं? पहुंच गया था लेकिन अब हम वो निकला है प्रगति को ढूंढने के लिए। मैं प्रगति को मारता तो फंस भी सकता था लेकिन भीड़ कभी नहीं फंसती, उस पर कोई केस नहीं होता और कोई सजा भी नहीं मिलती। कहाँ गई होगी? लगता उस साइड गई। चलो उधर देखते हैं। चलो एक काम करो, तुम लोग इस साइड जाओ, मैं इस साइड जाके देखता हूं। अरे मर जाएगा वो। हाँ तो इसने मारा आपको, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? सॉरी मैंने देखा नहीं आपको, इसको तुम है। अरे अरे रिलैक्स, मर जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं, इसने आपको मारा। एक मिनट। हाँ कमाल हो तुम। देखा, छुई मुई नहीं हूं मैं, वक्त आने पे मैरी कॉम बन सकती हूँ। तो इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे
छोड़ दिया। देखा मेरा मैरीकॉम अवतार? मैरीकॉम वाला नहीं, अब पीटी उषा वाला अवतार धारण करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? वो देखो आगे अब। ये अवतार आप पहले धारण नहीं कर सकते थे? अरे हीरो फुटेज खा रहा था, अब भागे। क्यों? तब तो नीचे गिरे हुए। इससे पहले इनके रिश्तेदार आए, भागना पड़ेगा। चले हाँ। अच्छा भाई लो नमस्ते, ये आपका डंडा चल। इस बार इनकी नहीं मेरी सुनना गॉड, प्रगति भीड़ के हाथ लग जाए बस, और इन्हें उसका अंतिम संस्कार करने को भी ना मिले। बस 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 बस, मैं और नहीं भाग सकती, अब क्या करें? सोच रहा मेरा फोन तो गाड़ी में रह गया है। और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। यहाँ? आपको लगता है यहाँ पे कोई रिजॉर्ट होगा? मैं नाइट स्टे की बात नहीं कर रहा मैडम। तो? रात काटने की बात कर रहा हूँ, यही रात काटनी पड़ेगी जंगलों में, टार्जन की तरह पेड़ों के ऊपर झाड़ियों में। यहाँ? हाँ। कोई जंगली जानवर आ गया तो निपट लेंगे। अभी भी तो जानवरों से निपट के आ रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक थोड़ी होगा। नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं तो जा रही हूँ।